को ठीक कर लीजिए, अ न्यू मशीन लिखा बैठे वहां पर, अ न्यू मशीन इज परचेस्ड 6 ईयर्स बैक, एक नई मशीनरी 6 साल पहले, एक नई मशीनरी 6 साल पहले 1.5 लाख रुपए की खरीदी थी, 6 साल पहले 1.5 लाख रुपए की खरीदी थी, जो आज किताबों में 90,000 रुपए की है। बड़ी सिंपल सी बात है जी, मैं कहता हूं किसी भी चीज को समझने के लिए आपको चित्र बनाना चाहिए। एक मशीनरी हमने आज से 6 साल पहले खरीदी थी, ये लो 1,50,000 रुपए की। मैं आज यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं बेटे, और आज इसकी कीमत किताबों में 90,000 रुपए की है। बेटे डेप्रिसिएशन नहीं डेबिट की होगी, तो डेप्रिसिएशन की वजह से पैसे कम हो गए, तो बेटे आज इसकी कीमत 90,000 रुपए। अच्छा जब शुरू से देखा तो 15 साल की लाइफ थी, तो बेटे जब 6 साल निकल गए तो अनएक्सपायर्ड लाइफ कितनी रह गई, अनएक्सपायर्ड लाइफ कितनी रह गई बेटे, 9 ईयर्स। और बेटे स्क्रैप वैल्यू 0 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। बेटे अभी यहीं खड़े थे कि एक मैन्युफैक्चरर ने आपको ऑफर किया क्या, नई मशीनरी, न्यू मशीन का बेटे 2.5 लाख रुपए की न्यू मशीनरी है। अगर आप नई मशीनरी खरीद ले तो 2.5 लाख रुपए की मिलेगी, और उसकी वजह से कॉस्ट में कमी आएगी, सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, बचत होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में बचत होगी। कितनी कितनी कितनी, 30,000 रुपए की बेटे बचत होगी। और बेटे जब नई मशीनरी खरीद लेंगे तो पुरानी बेच भी देंगे, और वो कह रहे जी पुरानी मशीनरी 50,000 रुपए में बिकेगी। बेटे आराम से, बेटे द न्यू मशीनरी विल आल्सो बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन 9 ईयर लाइफ विद सैलवेज वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज, विद सैलवेज वैल्यू ऑफ 25,000 रुपीज। बेटे टैक्स का रेट 50%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, डिटरमाइन वेदर द ओल्ड मशीनरी शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। आराम से मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, आप पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, और उसके बाद मेरे को चित्र बनाइए। तो बेटे आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन में एक नई चीज करेंगे मेरे बच्चे, तो मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1, मेन आंसर शुरू कर रहे हैं जी 13, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। लो बेटे मैं लिख रहा हूं बेटे, परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी का परचेज प्राइस 2.5 लाख रुपए लिख रहे हैं, 2,50,000 लिख रहे हैं। बेटे इंस्टॉलेशन है ही नहीं, अब नहीं लिखूंगा, लेस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट, पुराना एसेट जो मैं बेच दूंगा बेटे 50,000 का बेच दूंगा। बेटे जब मैं बेचूंगा तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटे, 2 स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एसटीसीजी
STCL. बेटे सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट, पुराना एसेट जो मैंने बेचा बेटे 50,000 का बेचा, लेस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। बेटे बुक वैल्यू तो 90,000 रुपए की थी, तो बेटे 40,000 रुपए का तो एसटीसीएल आ गया। इसमें मैंने लिख दिया जी टैक्स सेविंग ऑन एसटीसीएल। बेटे 50% का रेट है, 40,000 के ऊपर 20,000 रुपए का टैक्स की बचत हो गई। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। मैंने आपके सामने 20,000 रुपए का टैक्स का सेविंग कैलकुलेट कर दिया। लो सर, मैं यहां लिख रहा हूं लेस टैक्स सेविंग ऑन एसटीसीएल 20,000। बेटे वर्किंग कैपिटल है नहीं, बेटे स्टैट्यूटरी रिजर्व है नहीं, तो काम खत्म। बेटे 180,000 रुपए इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो आ गया। बस बेटे खत्म होने वाला है स्टेप नंबर 1 के बाद मैं चल रहा हूं स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। बेटे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू, देखो बेटा इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्लस इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो। बेटा मैं आगे लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैन बी कैलकुलेटेड, बेटा आपने भी लिखना है, बाय टू मेथड्स। बेटे दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। बेटे मेथड नंबर वन तो बेटे मैं ये कह रहा हूं मेथड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और बेटे मेथड टू फॉर्मूला मेथड। मैं लिख रहा हूं जी एज सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एटसेट्रा आर मिसिंग इन द क्वेश्चन। बेटे सब कुछ मिसिंग है, हेंस वी कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो For calculating incremental operating cash inflows, we will follow formula method. बेटे हम formula method follow करेंगे। तो मेरे को actually में formula method समझाना नहीं था,
इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। आज की क्लास में बस यही समझाना है और ये क्वेश्चन 30 पूरा करना है, उससे ज्यादा मैं कुछ करूंगा भी नहीं। पहले आप लिख लें फिर मैं बताऊंगा जी। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IOCI बेटे फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अभी लिख लें बेटे, मैं पूरा समझा रहा है इसी की, आज की पूरी क्लास जो है थोड़ा सा जो भी टाइम रह गया है इसी कंसेप्ट को समझाने में लगाना बेटे। आप टेंशन ना लें, मेरे होते आपको टेंशन नहीं लेनी मेरे बेटे। आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, बेटे इसके ऊपर एक आध बात मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है, अगर आप लिख लेंगे तो बेटे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आइए जी एक छोटी सी बात हम लिख लें। अभी चार पांच कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैंने बताने हैं, मैंने लिखवाए नहीं है, अभी मैं करवा नहीं रहा उनको, जैसे ये है कोई बात नहीं। अभी आप ये देखिए, ये आप लिख चुके हैं कंसेप्ट 18 बेटे, मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था, अपने हाथ से लिखवा दिया था, फिर भी एक बार नजर मार लें। मैंने कंसेप्ट नंबर 18 में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। मेथड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, मेथड टू फॉर्मूला मेथड। आराम से बेटे देखिए लिखा है आपने, फिर भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं बेटे, मोस्ट वेलकम। मैं टाइम दे रहा हूँ एक दो मिनट, आप लिखिए क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा मेरे बेटे। बेटे आज की क्लास में बस 13th ही करना है कंप्लीट, इसके बाद और कुछ भी नहीं करना आप, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। आज तो बस और 15-20 मिनट में क्लास ही खत्म होने वाली है। बी पॉइंट, इन केस सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉमा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एटसेट्रा ऑल आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड विल बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। आराम से बेटे, आराम से। मैंने कहा दो मेथड्स हैं, ये मेथड तब लगेगा, ये मेथड तब लगेगा, आराम से मेरे बेटे। ये बेटे मैंने आपको फॉर्मेट अपने हाथ से बना के दिया था, लेकिन मैंने देखो कितनी मेहनत से पीपीटी बनाई हुई है। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग IOCI एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, ओल्ड न्यू सेल्स मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट और लास्ट में लिखते हैं बेटे डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नहीं है बेटे, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स और फिर बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर आएगा जी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और फिर इंक्रीमेंटल, ओल्ड में और न्यू में ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस का डिफरेंस, उसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं। तो बेटे देख लो मेहनत कितनी की है, मैंने लिखवा दिया, पीपीटी भी बनाई हुई है, प्यार है बेटे, क्या करूं, एक मिनट और दे रहा हूं, बनाना चाहे बना सकते हैं, आपने बना लिया था। बेटे इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो ड्यू टू न्यू एसेट माइनस टर्मिनल कैश इनफ्लो ड्यू टू ओल्ड एसेट, और बेटे टर्मिनल होती एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में,
टर्मिनल कैश इनफ्लो बैठे होती एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में, तो कोई भी घबराने की बात है तो नहीं बैठे, दिल की बात तो ये है बेटे। दो ही रीजंस होते हैं टर्मिनल के, एक वर्किंग कैपिटल और एक स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और उसमें लिखा मैंने सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। अभी कराऊंगा एक क्वेश्चन जहां पर ये इफेक्ट आएगा। तो न्यू एसेट का भी क्या करें, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखें, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखें, ओल्ड की भी लिखें रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू, दोनों की टर्मिनल ऐड कर दें, दोनों का अंतर ले लें। इसी को बोलते हैं बेटे टर्मिनल, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो। बेटे कंसेप्ट 19 बेटे ये भी लिख चुके हो आप, इंक्रीमेंटल एनपीवी, इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे आउटफ्लो तो जीरो पीरियड की है, ऑपरेटिंग फ्यूचर की है, और टर्मिनल लास्ट में है, तो उन सभी की बेटे हम इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालते। तो लिखिए जी, आफ्टर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस एंड इनफ्लोस, प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब वो इंक्रीमेंटल होगी बेटे, देखो ये बनाई हुई आपने, पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम कैश फ्लो का, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, और फोर्थ कॉलम बेटे प्रेजेंट वैल्यू का। बेटे जीरो पीरियड में इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होती है, और बेटे फर्स्ट ईयर में ऑपरेटिंग, सेकंड ईयर में ऑपरेटिंग, थर्ड ईयर में ऑपरेटिंग, फोर्थ ईयर में ऑपरेटिंग, फिफ्थ ईयर में ऑपरेटिंग। और बेटे फिफ्थ ईयर को दो बार लिखना है, गलती से लिखा नहीं है। एक बच्चा कहता है दो बार क्यों, बेटे जो लास्ट ईयर होता है उसमें टर्मिनल भी तो लिखते हैं, टर्मिनल टर्मिनल। तो बेटे नीचे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, फिर लिखेगी इंक्रीमेंटल एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। इनफ्लोस में से आउटफ्लो लेस ही तो करते हैं, इंक्रीमेंटल इनफ्लो में से इंक्रीमेंटल आउटफ्लो लेस करते हैं। इफ पॉजिटिव देन इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इफ इट इज पॉजिटिव, एंड इफ नेगेटिव देन इट इज बेटर टू रिजेक्ट द प्रपोजल। बेटे फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए, आराम से लिख लें इंक्रीमेंटल एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। मैंने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के मैं बता रहा हूं, सारा आपको मैं समझा रहा हूं बता रहा हूं। और बेटे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि अगर इक्वल कैश इनफ्लोस हो तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम एनुटी फैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो बेटे आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो फिर इसलिए आपको मैंने क्या बताना है आपको बता ही चुका हूं। तो बेटे यहां तक मैंने बता दिया है, अभी मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूं, वो एक्चुअली बंद ही हो गया मेरे से गलती से। बेटे ये लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा ना। बेटे कंसेप्ट नंबर 20, अभी हम क्वेश्चन 13 कर रहे हैं, उसमें मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड नहीं लग सकता, फॉर्मूला मेथड लगेगा, बताया ना आपको। तो बेटे एक बार छोटा सा कंसेप्ट लिख लो बस, बेटे ज्यादा तो है भी नहीं, फॉर्मूला मेथड का ये करना है, बस केस स्टडी करनी है, फॉर्मेट तो है ही।
फ्लोरिडा ज्यादा नहीं मैंने देख लिया इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही ना पाए जैसे आपको सेल्स ना गिवन हो सेलिंग प्राइस गिवन ना हो मटेरियल गिवन ना हो लेबर गिवन ना हो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं सकते जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में तो आपको फॉर्मूला मेथड लगाएंगे आपको फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा तो लिखिए ना लिख लिया जी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस कैन बी कैलकुलेटेड अंडरलाइन कर दीजिए इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला मेथड लिख लीजिए फॉर्मूला आप लिख चुके हैं फिर भी लिख लीजिए बड़े कमर सीधी मेरे लाल बिल्कुल कमर सीधी और ईमानदारी से लिख रहे हैं जितना टाइम दिया जा रहा उसी में लिख रहे हैं एक ही क्वेश्चन 13 कंप्लीट करना बेटे हिम्मत कीजिए 5 मिनट की बात रह गई है आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट आराम से लिख लें फॉर्मूला है बेटे अभी इसको लॉजिकली बताना है आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू एसेट आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू एसेट प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एक एक वर्ड समझाऊंगा बेटे यही फॉर्मूला तो समझाना है आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू एसेट प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर्मेट लिखिए Following is the format लिख ले बेटे formula नहीं है वो गलती से लिखा हुआ Following is the format for calculating incremental operating cash inflow with the help of formula method बेटे पहला कॉलम है year का बेटे दूसरा कॉलम है particulars का बेटे तीसरा कॉलम है before tax का बेटे fourth कॉलम है after tax का तो बेटे ईयर में लिख दीजिए 1 टू लाइफ और पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट और बिफोर टैक्स में लिख दीजिए एक्स और आफ्टर टैक्स में लिख दीजिए एक्स इनटू 1 माइनस टैक्स एक्स इनटू 1 माइनस टैक्स और ईयर में लिख दीजिए 1 टू लाइफ पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए डेप्रिसिएशन मान लेते हैं वाई है और आफ्टर टैक्स में लिख दीजिए टैक्स ऑन वाई टैक्स रेट ऑन वाई टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन फिर बेटे एक्स इनटू 1 माइनस टैक्स जो आफ्टर टैक्स को कॉलम है उसको टोटल कर दीजिए जो बेटे आफ्टर टैक्स को कॉलम है उसको टोटल कर दीजिए और उसको लिखिए इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ये तो फॉर्मूला है अभी समझाऊंगा और लास्ट में बेटे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में
इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो यहीं पे लिख देंगे और जो एरो डाल देंगे बेटे आराम से बेटे इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो लिख दिया फिर इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में आएगा और हम आफ्टर टैक्स में सीधा लिख देंगे बेटे मैंने आपके सामने फॉर्मूला मेथड का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर दिया लो बेटे अब मैंने आपको बस एक केस स्टडी बतानी है और ये फॉर्मूला समझाना है और 13 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और छुट्टी बाय बाय होमवर्क देना है और छुट्टी बाय बाय बेटे एक बात बता रहा हूं आज की क्लास में मैं जो भी होमवर्क दूंगा अगर आपने घर में जाकर ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए 12 से 15 नंबर पक्के आपकी जेब में पक्के हैं बेटे पक्के केस स्टडी लिखिए बस एक छोटी सी केस स्टडी है अच्छा ये लिख लिया आफ्टर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कॉमा इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एंड इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट इंक्रीमेंटल एनपीवी वो तो पता ही है आपको बस लास्ट में एक केस स्टडी लिख दीजिए मैं समझा तो नहीं रहा फिर भी लिख ले बेटे बाय सेल्स 5 लाख टू ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटे वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड को मिला दें तो आती है बेटे ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए वहां पर बाय सेल्स 5 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख टैक्स रेट 30% है सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू एसेट इज 1 लाख आप चेक करिए ओल्ड एसेट में ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख है और न्यू एसेट में ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख है मान के चल रहे हैं कि जब आप नया एसेट खरीद रहे हैं तो सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए की है वो मैंने लिख दिया टैक्स करेक्ट 30% है तो उसके बाद ओसीए निकालेंगे एक पेज छोड़ दीजिए इसमें क्योंकि मैंने अभी कुछ समझाना है लिख दिया जी लिखिए प्लीज लिखते बहुत आराम आराम से इसलिए पेपर छूटता आपका जल्दी जल्दी लिखा कीजिए और रिवर्स करने की जरूरत नहीं है इसको मैं टाइम उतना दे रहा हूं जितना आप लिख पाए अगर आप नहीं लिख रहे तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए एक दूसरी केस स्टडी लिख लें एक पेज का स्पेस छोड़कर फिर ये लिखें सेल्स 1 लाख है ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 है दोनों में देखिए सेल्स 1 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 एक में डेप्रिसिएशन 30,000 और एक में डेप्रिसिएशन 50,000 क्योंकि जब आप नया एसेट लेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी तो मैंने आराम से देखिए लिखा है बाय सेल्स 1 लाख टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 बाय सेल्स 1 लाख टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 क्योंकि बेटे फॉर्मूले में 2 कड़ियां हैं मुझे दोनों समझानी है रटवाना थोड़ी है तो उसकी केस स्टडी बना रहा हूं डेप्रिसिएशन 40-30 और डेप्रिसिएशन 50 इसके नीचे 2 सिनेरियो लिख लीजिए इफ टैक्स रेट इज 0% तो हम देखेंगे कितनी इनफ्लो आएगी और इफ टैक्स रेट इज 40% देन हाउ मच विल बी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो लिख लीजिए बेटे बेटे केस स्टडी लिख ली ये भी लिख ली 5-2-5-1 1-40 1-40 और यहां टैक्स रेट 30% है चलिए मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी को ये आपको फॉर्मूला अभी भी लिखवाया था मैं फिर रिपीट करता हूं इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो हमारा स्टेप नंबर 2 है इसको निकालने के 2 तरीके हैं
तरीका नंबर एक और तरीका नंबर दो। पहला तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना बना पाए क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपको फिर फॉर्मूला मेथड पकड़ना चाहिए। या तो क्वेश्चन छोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, एग्जामिनर कहेगा प्लीज कम अगेन आफ्टर सिक्स मंथ्स, तो आप उस केस में फॉर्मूला मेथड लगाएं। फॉर्मूला मेथड क्या है आपको मैं थोड़ा सा बताऊं। मैं कह रहा हूं इसमें फॉर्मूले में मैंने लिखा आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू एसेट, नया एसेट खरीदने की वजह से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितनी बचत हुई प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो नए एसेट की वजह से होगा उसमें टैक्स की कितनी बचत होगी। आराम से बैठे, आराम से बेटे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब आप नई मशीनरी लेते हैं तो उसकी उसकी स्पीड तेज होती है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ कम लगती है, बेटे खर्चे शुरू में कम आते हैं। तो मैंने एक आपको भी केस स्टडी बताई जो आपने लिखी कि भाई सेल्स 5 लाख रुपए की है, सेल्स 5 लाख रुपए की है मान लेते, आपने अभी तो लिखा देखिए सेल्स 5 लाख रुपए की है और ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए की है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पर 2 लाख की है और यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए की है और अगर टैक्स रेट 30% हो, मतलब आप समझ लीजिए कि सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप ये देखिए सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेविंग सेविंग इन सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए है बेटे, 1 लाख रुपए सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए की है। तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि बीकॉम पास वाले के लिए 1 लाख रुपए बच रहे हैं लेकिन सीएस प्रोफेशनल के लिए 1 लाख नहीं बच रहे। चेक करिएगा, मैं आपके सामने चाहता हूं आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए, टैक्स निकालिए, आफ्टर टैक्स निकालिए और जरा देखिए कितनी आफ्टर टैक्स में आ रही है। मैंने टैक्स निकाल लिया और बेटे 90,000 के बाद 210,000 आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहां देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख आ गया बेटे, टैक्स 1,20,000 आ गया बेटे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000 आ गया। देख लीजिए, ये देखिए, अब आप इनका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस देखिए बेटे, इसका डिफरेंस देखिए, यहां के तो आपने डिफरेंस देखा, यहां पे डिफरेंस भी देखिए, 70,000 रुपए इसका डिफरेंस है। इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए कम हुई थी, मतलब सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए थी या रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए थी लेकिन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख से कम नहीं हुआ, 70,000 से बढ़ा, मतलब 1 लाख से नहीं बढ़ा, 70,000 से बढ़ा। कमाल की बात है बेटे, बीकॉम पास वाले के लिए 1 लाख की बचत है लेकिन मैं कहता हूं सीएस के लिए, पंडित के लिए 70,000 की बचत है। क्यों? क्योंकि बेटे जब कॉस्ट कम डेबिट करोगे तो आप बताओ
आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देख लीजिए, आपने 30,000 रुपए का टैक्स ज्यादा दिया। इसका मतलब जब भी ये लिखा हो कि सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी है, तो बेटे आप बीकॉम पास के हिसाब से मत सोचना। बेटे हाथी के खाने के दांत अंदर के होते हैं, दिखाने के बाहर के होते हैं, दिखाने के बाहर के होते हैं। बेटे सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स अलग चीज है। जैसे जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो मैं एक इसके नीचे एनालिसिस लिखूंगा जो आपने पेज छोड़ा है। सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज रुपीज 1 लाख, इज रुपीज 1 लाख बिफोर टैक्स, बट इफेक्टिव सेविंग, बट इफेक्टिव सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नॉट रुपीज 1 लाख बट इज रुपीज 70,000। इफेक्टिवली सेविंग 1 लाख रुपए की नहीं है, 70,000 रुपए की है, 70,000 रुपीज की है, बिकॉज एडिशनल टैक्स ऑफ रुपीज 30,000 विल बी पेड। एडिशनल टैक्स ऑफ रुपीज 30,000 विल बी पेड, हेंस इट इज नॉट, हेंस इट इज नॉट सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स, हेंस इट इज नॉट सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स इज इंपॉर्टेंट, rather it is saving in operating cost after tax is of real importance, that is 1 lakh। ये आ गया बेटे रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटे बीकॉम पास के लिए तो ये है, छोटू के लिए है बेटे, लेकिन एडिशनल टैक्स जो देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स उतने से बढ़ जाएंगे। तो बेटे एक्चुअली में इफेक्टिवली कितनी बचत हुई बेटे, ये रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां पे लिखा है मैंने बेटे आफ्टर टैक्स, ये बेटे 70,000 रुपए बचे। लिख लो बेटे, बड़ी मेहनत से एनालिसिस करा रहा हूं। वैसे ये नहीं भी कराता तो क्वेश्चन तो खत्म हो ही जाता, लेकिन वो बेटे प्यार ना होता। क्या वो प्यार होता? वो तो लव आजकल वाला होता बेटे। मैं लैला मजनू रोमियो जूलियट वाला प्यार करता हूं आपसे। जमाना एक तरह हो जाए, प्यार किया है तो बेटे फिर प्यार किया है। तो आप प्लीज नोट करें, मैंने इस केस स्टडी से उस फॉर्मूले की पहली कड़ी को समझा दिया। जरा देखिए पहली कड़ी क्या थी, आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटे अगर ऐसा लिखा हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट नई मशीनरी की वजह से बच जाएगी, तो जितनी लिखी है उसको मत लेना, उसमें एडिशनल टैक्स लेस करना, और फिर जो बचेगा उसको बोलेंगे आफ्टर टैक्स। अब बेटे आफ्टर टैक्स को निकालने के एक और तरीके भी है। जैसे मैंने कहा जी 1 लाख माइनस 30% ऑफ 1 लाख, ये आ गया 70,000। तो बेटे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 लाख इंटू 1 माइनस 0.3, और बेटे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स,
saving in operating cost before tax into one minus tax. तो यहाँ पर आ जाएगा बेटे after tax saving in operating cost. आराम से लिख लें. बस बेटे एक लास्ट कड़ी रह गई है मुझे उस फॉर्मूले की समझानी है और हमारा काफी हद तक काम कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे बेटे. ए मेरे बेटे आओ बेटा. अब मैंने आपको दूसरी केस स्टडी जो बताई थी एक बार उसको निकाल लेते और मैं देखना चाहता हूं कि आपने उसमें क्या लिखा था. 140,000 और 30 140,000 और 30 140,000 30 140,000 और 50. आराम से बैठे कोई जल्दी नहीं है. अगर मैं ओल्ड एसेट चलाता और अगर मैं न्यू एसेट लेता तो बेटे ये फिगर्स थी. ये सेल्स है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ये डेप्रिसिएशन. आराम से बेटे आप देखो जी मैंने 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 सेल्स सेम लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेम लिया है, खाली डेप्रिसिएशन में मैंने 20,000 रुपए नई मशीनरी में ज्यादा लिखे. बेटा नई मशीनरी महंगी होती है, परचेज प्राइस ज्यादा होती है, शुरू के महीनों में डेप्रिसिएशन भी लगती है. अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्स रेट 0% है तो आप पीबीटी टैक्स आफ्टर टैक्स और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल कर दिखाएं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो. तो बेटे पीबीटी 30,000, टैक्स जीरो है 30,000. बेटे 30,000 आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन 30,000, 60,000 आ गया बेटे. ये डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बेटे. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन बेटे 60,000 रुपए आ गए. और न्यू एसेट में देखिए आप 1,00,000 में से बेटे 90,000 चले गए, 10,000 टैक्स नील आफ्टर टैक्स दिस. और बेटे 10,000 प्लस 50,000 चेक करिए यहां पर भी उतनी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ रही है जितनी ओल्ड में थी. मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपका वहम है बेटे. कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, केस स्टडीज से आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं बताया बेटे. भूपेश आनंद बता रहा है. आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में जरा सा भी डिफरेंस नहीं आया जबकि मैंने डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए से ज्यादा डेबिट की है. क्यों? क्योंकि बेटे डेप्रिसिएशन खुद में ही नॉन कैश एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन से पैसे बाहर जाते ही नहीं, डेप्रिसिएशन से तो टैक्स की बचत होती है क्योंकि सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हो क्योंकि आप एसेट यूज कर रहे हो. हम उस खर्चे को खर्चा मानेंगे लेकिन उसकी वजह से पैसे थोड़ी बाहर जाते हैं, खाली टैक्स बचता है. और जब मैं टैक्स को ही जीरो मान लूं, जब मैं टैक्स को ही जीरो मान लूं तो बेटे उसके ऊपर टैक्स की बचत भी नहीं होगी. फिर जितनी मर्जी डेप्रिसिएशन डेबिट कीजिए, कैश इनफ्लो
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है। मैंने 20,000 रुपए से डेप्रिसिएशन डेबिट की, लेकिन अगर टैक्स रेट जीरो लिया तो कोई भी यूज नहीं था, दोनों की कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग सेम थी। तो मैं इसके नीचे एक बात लिखूंगा बेटे, एज टैक्स रेट इज 0%, एज टैक्स रेट इज 0% एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हेंस देयर विल बी नो टैक्स सेविंग, देयर विल बी नो टैक्स सेविंग ड्यू टू इंक्रीमेंटल, ड्यू टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 20,000। बेटे 50,000 रुपए माइनस 30,000 रुपए, बेटे 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन आएगी न्यू एसेट में, और बेटे 30,000 डेप्रिसिएशन आएगी ओल्ड एसेट में, तो बेटे 20,000 का कोई भी यूज नहीं था। अब मैं इसी क्वेश्चन में मान रहा हूं इफ टैक्स रेट इज 40%, आराम से बेटे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपने अभी अभी बनाया था, 140 एक लाख और बेटे 40,000, बेटे 1,00,000 और बेटे 40,000, बेटे 30 और बेटे 50, 30,000 और बेटे 50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स एंड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। 70,130,000 आता है मेरे हिसाब से, 12,000 यहां आएगा, 28,000 यहां आएगा और मेरे बच्चे 58,000 यहां आएगा, 28 जमा 30 इज इक्वल टू 58,000, और यहां देख लो बेटे 90,10 आएगा और बेटे 4,000 और 6,000 और बेटे 6,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 56,000। आराम से देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है बेटे दोनों की कैश इनफ्लो में, ये देखना है अब आपने 2,000 का। और बेटे मैंने ये 18 है बेटे, मेरे से गलती हुई, ये 18 है और ये बेटे 48 है, और ये जब 48 है तो बेटे डिफरेंस 8,000 का है। आप बोलते भी तो नहीं, एक बच्चा कहता सर हम बोले किसको, आप सुनते कहाँ हो। ठीक है कोई बात नहीं, गलती थी, मैंने 30 में से 12 लेस किए तो 18 आना चाहिए, गलती से मैंने 28 लिख दिया, कोई बात नहीं बेटे, गलती इंसान से होती है। 18 जमा 30 48 और वहां पर था 6 जमा 50 56, 48 और 56 में 8,000 का डिफरेंस है, जबकि आप चेक करिए डेप्रिसिएशन मैंने 20,000 रुपए से ज्यादा डेबिट की है, ज्यादा डेबिट की है। क्या समझ आया बेटे, यहां पर चेक करो मैंने 12,000 का टैक्स दिया है और यहां 4,000 का टैक्स दिया है, तो बेटे आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा की वजह से टैक्स में सेविंग कर ली, बस वही मेरी कैश इनफ्लो है।
तो मैं यहां देख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट incremental depreciation is of importance. Incremental depreciation is of importance in case tax rate is specified. Aram se bedo. As depreciation under section 32 is a non-cash expense. अब एक बच्चा सोच रहा 32 कंपनी एक्ट 2013 का उसके थप्पड़ मारूंगा कैलकुलेटर उठा के मार दूंगा इनकम टैक्स एक्ट में of now is a non-cash expenditure hence only tax saving on incremental depreciation is of importance आराम से बैठे is of importance खाली वो ही important है बाकी और कुछ भी important नहीं है तो जरा देख लीजिए आप देखिए मैंने incremental depreciation कितना लिखा है मैंने बेटे 50,000 minus 30,000 लिखा है और बेटे 20,000 आ रहा है इसका मतलब इस पे जो टैक्स की सेविंग है ओन 20,000 रुपीस एट द रेट ऑफ 40% दैट इज रुपीस 8,000 इज ऑफ इंपॉर्टेंस आराम से बेटे ये देखो बेटे तो बेटे दूसरी कड़ी उस फॉर्मूले की क्या समझ आई इस केस स्टडी से करने के बाद